बड़े बड़े शॉपिंग मॉल, कंप्यूटर और मोबाइल पर गेम्स और मनोरंजन के तमाम संसाधनों के बीच भी मेले का क्रेज कम नहीं हुआ है। आज भी मेला लोगों को मिलाता है, जोड़ता है। मेले में लोगों की जाने कितनी स्मृतियां मानस पटल पर छा जाती हैं। बचपन के दोस्त और सहेलियां मेले में मिल जाती हैं। आधुनिक बाजार के बीच मेलों का महत्व कम नहीं हुआ है। गोरखनाथ मेले में तो यही नजर आ रहा है। जो लोगों की यादों को समेटे हुए यूं तो 1 जनवरी से शुरू है, लेकिन मकर संक्रांति के बाद पूरे रंग पर है। रविवार की दोपहर निकली हल्की धूप के बाद गोरखनाथ मेले में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। वहीं मंदिर में पहुंचे श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षा की दृष्टिकोण से सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए थे। चप्पे चप्पे पर महिला और पुरुष पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। सादी वर्दी में भी पुलिस बल तैनात किए गए हैं। ऐप के जरिए सभी अपने अपने ड्यूटी पर मुस्तैद हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SP सिटी डॉक्टर सोनम कुमार ने कहा, खिचड़ी मेला जो है एक बहुत ही बड़ा अवसर होता है। इसमें आसपास के गांव देहात से, बाहरी जगह से और बगल के राज्यों से भी लोग आते हैं। इसलिए हमने इसमें पूरा इसका एक सर्वेक्षण किया था, ड्रोन के द्वारा जो है बाहर सड़कों पर सर्वेक्षण किया था और उससे हिसाब से प्लानिंग बनाई थी इसकी, क्योंकि खिचड़ी मेला और गोरखपुर महोत्सव ये साथ साथ ही हो रहे थे। तो इसके लिए हमने फोर्स की मांग की थी, जो हमें मिली थी, समुचित बल लगाया गया इसमें। और इसके साथ ही एक ATS की टीम आई थी, साथ में पुलिस लाइंस में एक घातक टीम बनाई गई थी जो कि ये इंश्योर कर रही थी कि जो जितने भी यात्री आ रहे हैं उनको बिल्कुल बिना किसी समस्या के खिचड़ी मेले में वो प्रतिभाग कर सकें। साथ ही साथ हमने इस बार एक जो व्यवस्था अच्छे से की थी वो ये की थी कि जो भी जूते चप्पल उतारे जाते हैं वो बाहर ही उतार दिए जाएँ, जूते चप्पल वापस लेने के लिए कोई भगदड़ ना मचे। जितना भी फोर्स लगाया गया था उसके लिए एक हमने ऐप खुद ही डेवलप किया था और वो ऐप के द्वारा अपने ड्यूटी के स्थल पर पहुँच रहे थे। 1300 से ज़्यादा पुलिस कर्मियों ने उस ऐप का यूज़ किया गोरखपुर महोत्सव और खिचड़ी मेले को मिला करके। भविष्य में भी ऐसे जब आयोजन होंगे तो इसी ऐप का यूज़ किया जाएगा ताकि जो पुलिसकर्मी आते हैं उनको कोई दिक्कत ना हो अपने ड्यूटी पॉइंट पे पहुंचने के लिए और उनकी ड्यूटी की चेकिंग वगैरह ठीक से हो जाए। सर अभी मेला चल रहा है तो मेले में महिलाएं खासकर ज़्यादा तर पहुँचती है, तो महिला सुरक्षा के लिए सर क्या व्यवस्था? देखिए, महिलाओं के लिए इस बार हमने एक नई चीज़ जो की है गोरखपुर महोत्सव में भी और खिचड़ी मेले में भी, एक महिला हेल्प डेस्क बनाया गया था और उनको वहाँ पे कंप्यूटर, CCTV कैमरा सबकी प्रोवाइड किया गया था। तो वो लोग, जो भी महिलाओं को कोई भी समस्या आती थी वो उस महिला हेल्प डेस्क पे जाती थी और वहीं पे उनके समस्या का निराकरण हो जाता था। इसके अलावा महिला और पुलिस पुरुष जो भी चेन स्नैचर्स थे उनके फ़ोटोज़ जो हैं हमने लगाए थे जो भी मेला थाना बना था वहाँ पर, और हर जो कॉन्स्टेबल तक के लोग हैं सबको ये ब्रीफ किया गया था कि वो इनको ढूंढने, अगर ऐसा कोई दिखता उन्हें पकड़े। प्रिवेंटिव भी की गई थी, मेला प्रारंभ होने के पहले ही हमने 4-5 चेन स्नैचर्स के साथ प्रिवेंटिव कार्रवाई कर ली थी जिसकी वजह से कुछ भी घटना नहीं हुई है।